नमस्कार, मैं अजय आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं न्यूज आप तक 24 मध्य प्रदेश का हिंदी न्यूज चैनल। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 मुख्य खबरों को, लेकिन उससे पहले कमेंट करके हमें बताइए कि आप न्यूज किस जिले से देख रहे हैं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। CBSE 10वीं 12वीं छात्रों के लिए जरूरी खबर। परीक्षा से एक दिन पहले बोर्ड ने जारी की जरूरी सूचना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की गुरुवार से 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं हैं। CBSE ने परीक्षा से पहले स्कूलों, छात्रों और अभिभावकों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। दरअसल दिल्ली की सीमा पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके जमावड़े की वजह से ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। इसलिए CBSE ने अभिभावकों से सेंटर्स के लिए समय से पहले घर से निकलने के लिए कहा है। लुटेरे बेटे को पकड़वाने की गुहार लेकर पंडोखर दरबार में पहुंचा पिता। करीब 2 करोड़ रुपए का सोना लूट कर है फरार। लूट डकैती में फरार बदमाशों के स्वजनों को पुलिस पूछताछ के लिए थाने ले आती है। यह बात तो आपने कई बार देखी सुनी होगी, लेकिन 2.25 करोड़ रुपए के सोने की लूट में फरार एक आरोपित का पिता अपने लुटेरे बेटे को गिरफ्तार करवाने की मनोकामना लेकर दतिया के पंडोखर सरकार के दरबार में पहुंच गया, जहां बेटे के पकड़ जाने और उसके सुधर जाने की गुहार लगाई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ग्वालियर के व्यापारी से सोना लूटने के मामले में विवेक यादव के साथ रामू यादव नाम का बदमाश भी फरार है। पंडोखर सरकार के सामने भूरा यादव ने बेटे के पकड़े जाने व उसके सुधर जाने की गुहार लगाई। इस दौरान पंडोखर सरकार ने एक पर्चा भी लिखा, जिसमें पूरी घटना व सभी आरोपितों के नाम थे। नर्मदा को भाजपा की मानस पुत्री कहने पर सदन में हंगामा। कांग्रेस विधायक से माफी मंगवाने पर अड़ा सत्ता पक्ष। विधानसभा में बुधवार को जबलपुर पूर्व से कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने नर्मदा को भाजपा की मानस पुत्री कह दिया तो इस पर हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि मां नर्मदा हम सबकी आस्था का केंद्र है और इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदस्य सदन में माफी मांगे पर लखन ने माफी नहीं मांगी। भारी शोरगुल के बीच सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के सदस्य एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। मध्य प्रदेश में हर दिन कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर रहे नेता। कांग्रेस छोड़ने वाले कार्यकर्ताओं का सिलसिला थम नहीं रहा है, वे लगातार पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। बुधवार को भी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा एवं वरिष्ठ नेता व न्यू ज्वाइनिंग टोली के प्रदेश संयोजक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के समक्ष छिंदवाड़ा जिले के साहू समाज के राष्ट्रीय प्रदेश व जिला पदाधिकारी एवं कांग्रेस के बड़वानी जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक वीरेंद्र सिंह राठौर दरबार व जिले के कांग्रेस पदाधिकारी और ने भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। सांसद जी का रिपोर्ट कार्ड। खंडवा संसदीय क्षेत्र में प्रयास भरपूर लेकिन नहीं मिल पाई बड़ी उपलब्धि। खंडवा लोकसभा क्षेत्र भी भाजपा का गढ़ है। वर्ष 2009 के चुनाव को छोड़कर इस सीट पर वर्ष 1996 से लगातार भाजपा का कब्जा रहा है। दिग्गज भाजपा नेता नंद कुमार सिंह चौहान यहां से 6 बार चुनाव जीते। वर्ष 2019 के चुनाव में भी नंद कुमार सिंह सांसद चुने गए थे। उनके निधन के बाद हुए उपचुनाव में भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल सांसद बने। करीब 2.5 साल के कार्यकाल में उनके खाते में कोई बड़ी उपलब्धि दर्ज नहीं है, लेकिन वह सरकार की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को दिलवाने और लंबित परियोजनाओं को पूरा करवाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। विशेष रूप से खंडवा स्नावत ट्रेन और रेलवे स्टेशन के सुंदरीकरण के लिए रेल मंत्री व बाईपास के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से दिल्ली में कई बार मुलाकात की। खंडवा बुरहानपुर संसदीय क्षेत्र में बड़े उद्योग नहीं है। बुरहानपुर जिले की नेपानगढ़ तहसील स्थित पेपर मिल के अलावा क्षेत्र में कोई बड़ा उद्योग नहीं है, इसलिए रोजगार के साधनों की भी कमी है। क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कृषि पर निर्भर है। यहां लंबे समय से कृषि आधारित उद्योगों की मांग हो रही है।